की राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और यहां प्रियंका गांधी ने पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। प्रियंका गांधी ने अमेठी के मुसाफिर खाना स्थित AH इंटर कॉलेज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव का मंत्र दिया है। प्रियंका गांधी ने यहां लगभग 1953 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अमेठी से BJP की प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी हमारा और राहुल गांधी का घर है, यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं, हम बचपन से यहाँ आते रहे हैं और हमारा यहाँ के लोगों से घरेलू रिश्ता है और हमेशा रहेगा। बाकी नेता 4 दिन के लिए आते हैं और चकाचौंध बिखेर कर चले जाते हैं, वो केवल चुनाव लड़ने आते हैं, उनका अमेठी के लोगों से दिली रिश्ता कभी नहीं रहा। आप लोग ऐसे नेताओं से सावधान रहना, ये लोग अमेठी रायबरेली की योजनाओं को छीन कर ले जाते हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पहले के चुनाव में यहाँ ज्यादा समय देती थी, लेकिन अब उतना समय नहीं दे पाऊंगी, यह आप लोगों का चुनाव है और आप लोग मिलकर राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताइए। इस बार स्मृति ईरानी को उम्मीद है कि वो चुनाव में इतिहास रचेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी। हालांकि अमेठी का किंग कौन होगा ये तो 23 मई को जब नतीजे आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस UP को भी सब्सक्राइब कीजिए।